नमस्कार। आज अपन एक टॉपिक लिया है डी फार्मेसी पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, और जिसका एक बेसिक स्टार्टिंग टॉपिक कह सकते हैं फार्मास्यूटिक्स का डोजेज फॉर्म। और इससे पहले अपन ने पढ़ा था ये सॉलिड डोजेज फॉर्म, और आज अपन करने जा रहे हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी जिसमें अपन बहुत ही बेसिक चीज पढ़ेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अगर आ जाए कि राइट द नोट्स ऑन लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो उस केस में या लिक्विड या डोजेज फॉर्म भी आ जाए तो उसमें तीनों लिखना आपको, सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड। और अगर डोजेज फॉर्म पूरा नहीं पूछ के पूछ ले कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में, तो भी आप लिक्विड डोजेज फॉर्म कौन सा है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब शॉर्ट के अंदर सिंपल डेफिनेशन भी कौन कौन सी होती है और कैसे। अब बात करें लिक्विड डोजेज फॉर्म की, तो लिक्विड डोजेज फॉर्म दो प्रकार का, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक। पहली बात करें लिक्विड मींस वो लिक्विड ही रहेगा। अब नाम मोनोफेजिक और बाइफेजिक मींस, जैसा कि नाम है कि मोनोफेजिक मींस उसके अंदर एक ही फेज है, मींस आप अगर उसको एक बार विजुअली देखेंगे तो आपको उसके अंदर दो फेज नहीं दिखेगी, सिर्फ एक फेज दिखेगी, वो लिक्विड फेज। और दूसरा बाइफेजिक, ये भी लिक्विड लेकिन इसके अंदर आपको दो फेज अलग अलग नजर आएगी, जैसे आपका इमल्शन एंड सस्पेंशन। इमल्शन के केस के अंदर क्या होता है, जैसे ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, मींस आप जब इमल्शन को स्टैंड करोगे, रख दोगे काफी समय बाद देखोगे, तो आपको दो लेयर दिखेगी। और बाइफेजिक लिक्विड डोजेज केस में आप यूज करने सेक्वेल बिफोर यूज, एक उसके ऊपर लिखा रहता है लेबल के ऊपर, वो जरूरी। बात करें सस्पेंशन में, इन केस ऐसा कोई सोल्यूट या ड्रग विच आर इनसोल्यूबल इन या इमिसिबल इन एनी सॉल्वेंट, यानी किसी सॉल्वेंट में वो अगर मिसिबल नहीं हो रहा है या डिजोल्व नहीं हो रहा, तो उस केस में सस्पेंड तो कर सकते हैं अपन। जैसे सिंपल से बात करें कि मिट्टी पानी में डिजोल्व नहीं होती है, लेकिन आप एक बार शेक करोगे तो मिट्टी उस पानी के अंदर सस्पेंडेड हो जाएगी, मीन्स आप कह सकते हैं सस्पेंशन, जैसा कि नाम है, यानी उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल उस लिक्विड के अंदर सस्पेंडेड है, यानी बिखरे बिखरे से। तो बात कर रहे थे लिक्विड डोजेज फॉर्म के, दो प्रकार का हो गया, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। बाइफेजिक दो एग्जांपल आपको हो गए, इमल्शन एंड सस्पेंशन। अब बात करें मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में, तो पहला एक्सटर्नल यूज के लिए कौन कौन सा, या फिर इंटरनल यूज के लिए कौन सा। यूज का मतलब वो आपके बॉडी के सिस्टम में जाएगा, एक्सटर्नल मीन्स आप टॉपिकली यूज कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल कौन सा हो गया, जैसे आप लिनिमेंट, गार्गल या थ्रोट पेंट, माउथ वेस, स्प्रे, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप, यानी बॉडी या बॉडी केविटी के अंदर आप एक्सटर्नली यूज कर रहे हैं, मींस वो आपके सिस्टम में नहीं जा रहा है, मींस वो एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। जैसे बात करें कि लिनिमेंट या गार्गल्स या थ्रोट पेंट या लोशन भी आता है, इन लोशन आप एक्सटर्नली यूज करते हैं, या जो आप थ्रोट पेंट आ गया, माउथ वॉश आ गया, स्प्रे कर दिया, आई ड्रॉप, नेजल ड्रॉप इत्यादि, दीज ऑल आर द मोनोफेजिक एक्सटर्नली यूज लिक्विड डोजेज फॉर्म। बात करें इंटरनल की, तो सिरप, इलेक्सर, लिंटस एंड ड्रॉप। अब जो कई बार प्रश्न देखा जाए कि लिनिमेंट एंड लिंटस, लिनिमेंट एक प्रकार की एक्सटर्नल प्रिपरेशन है, वाइल लिंटस इज ए इंटरनल प्रिपरेशन। ग्रिलिंगटस, जैसे नाम सुना होगा बहुत से, पहले जो कब सिर पाते थे ग्रिलिंगटस, यानी वो लिंगटस, लिंगटस मींस जो आपके गले में खराश है उसके रिलीव के लिए, कब से रिलीव के लिए यूज करते हैं लिंगटस, यानी एक प्रकार की इंटरनल प्रिपरेशन। तो इंटरनल लिक्विड डोजेज फॉर्म कौन कौन सी होगी आपकी, सिरप, इलेक्सर, लिंगटस एंड ड्रॉप। तो साथियों बात कर रहे थे डोजेज फॉर्म के अंदर, लिक्विड डोजेज फॉर्म और लिक्विड डोजेज फॉर्म दो प्रकार की होती है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। मोनोफेजिक मींस उसके अंदर एक ही फेज है, और उसके अंदर इन सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट कंप्लीटली डिजोल्व, और वो भी दो प्रकार का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
यानी बॉडी कैविटी जितनी भी आपकी है, जैसे नाक कर दिया, ईयर कर दिया, आई कर दिया, या माउथ कर दिया, माउथ वास है, गार्गल्स है, या लिनिमेंट है, दीज आर द एक्सटर्नल प्रिपरेशन, और इंटरनल में आपके सिरप, इलिक्सर, लिंटस एंड ड्रॉप्स होगी। नेक्स्ट बात करें बाइफेजिक की, तो इमल्शन एंड सस्पेंशन ये आपके दो। अब नेक्स्ट अपने इसका डिस्कशन पढ़ते हैं, यानी सिंपल ना कह सकते हैं कि लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या है। लिक्विड डोजेस फॉर्म आर द मेंट फॉर द इंटरनल पेरेंट्रल एक्सटर्नल यूज, दे आर अवेलेबल इन मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक फॉर्म। बात करें मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की, यानी मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। ये एक प्रकार का ट्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज द सॉल्वेंट। यानी जो ज्यादा मात्रा में है वो आपका सॉल्वेंट है, और जो इसके अंदर डिजोल्व है या जो क्वांटिटी में कम है उसको कहते हैं सॉल्यूट। यानी आप कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के अंदर जो डिजोल्व क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट जो कंप्लीटली मिसिबल है, मींस आपको एक ही फेज दिखेगा, दो फेज अलग अलग नहीं। और जो ज्यादा मात्रा में उसको सॉल्वेंट कह दिया, जो कम है उसको क्या कह दिया, सॉल्यूट, और एक प्रकार का ट्रू कोलोइडल सॉल्यूशन। अब देखो बात करें मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म की, तो उसमें आता है सिर्फ यूज फॉर द एक्सटर्नल, और जैसे नाम से लग रहा है सिर्फ, मींस ये स्वीट प्रिपरेशन कैसी है, सिंपल। तो कह सकते हैं सिंपल सिरप इज द सिरप सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन द प्यूरिफाइड वाटर। यानी प्यूरिफाइड वाटर के अंदर एक सुक्रोज का सॉल्यूशन है, सिंपल। इट मीन स्वीट तो हो गई, क्या होगा, स्वीट। आप कह सकते हैं इट इज द स्वीट प्रिपरेशन, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज द 66.7% वेट बाय वेट। तो इन आप सिरप इज ए स्वीट प्रिपरेशन इन विच सुक्रोज इज डिजोल्व इन प्यूरिफाइड वाटर, और उसमें शुगर की कंसंट्रेशन आपकी होती है 66.67। नेक्स्ट दिया लिंटस, नाम है क्या, ग्रिलिंगटस। लिंटस मींस यूज फॉर इंटरनली। लिंटस आर विस्कस लिक्विड एंड द ओरल प्रिपरेशन दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर रिलीफ ऑफ कफ। यानी कफ से रिलीफ के लिए एक इंटरनल प्रिपरेशन है, विस्कस होती है। दे कंटेन मेडिकामेंट विच हैव द एब्डिमुलसेंट, सेडेटिव एंड एक्सपेक्टोरेंट। यानी आप कह सकते हैं लिंटस के अंदर जो मेडिकामेंट होती है उसमें डिमुलसेंट एक्शन होता है, एक्सपेक्टोरेंट बोले तो जो कप को एक्सपेल आउट करना, एंड आल्सो ए सेडेटिव प्रॉपर्टी। यानी लिंटस कह सकते हैं विस्कस लिक्विड एंड ओरल प्रिपरेशन दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। तो आपने दो का डिस्कशन पढ़ा कि सिरप क्या होती है एंड लिंटस क्या होती है। अब बात करें ड्रॉप, तो सिंपल ड्रॉप एक प्रकार की ओरल लिक्विड डोजेस फॉर्म है। दीज आर द लिक्विड प्रिपरेशन मेंट फॉर द प्रिपरेशन एंड द ओरल सोल्यूबल विटामिंस सच एज विटामिन ए एंड डी कंसंट्रेशन द फिश लिवर ऑयल आर प्रेजेंटेड एज ए ड्रॉप्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा विटामिंस ए का जो अपन बच्चों को पिलाते हैं वैक्सीनेशन समय, तो ये एक प्रकार की ड्रॉप्स है। इन जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स की केस में ड्रॉप यूज करते हैं, और फैट सोल्यूबल कौन सा है, ए डी ई के। नेक्स्ट है लिनिमेंट। लिनिमेंट मींस ये एक्सटर्नल प्रिपरेशन, पहली बात है। लिनिमेंट आर द लिक्विड एंड द सेमी सॉलिड भी हो सकती प्रिपरेशन एंड मेंट फॉर द स्किन, बोले तो एक्सटर्नल। और लिनिमेंट यूजुअली अप्लाइड टू द स्किन विद द फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। अब देखो लोशन एंड लिनिमेंट, आगे अपन लोशन भी पढ़ेंगे। लिनिमेंट और लोशन में फर्क क्या है कि लिनिमेंट वी यूज विद द फ्रिक्शन,
यानी रबिंग के साथ यूज करेंगे, वाइल लोस विदाउट फ्रिक्शन, यानी लिनिमेंट यूज विद द फर्स्ट यूज बाय फ्रिक्शन या विद रबिंग, वाइल लोशन यूज द विदाउट फ्रिक्शन या रबिंग। और अगर आप फ्रिक्शन कर रहे हैं तो ओपन वाउंड पे आप कभी इसको काम नहीं ले सकते। तो लिनिमेंट आर द लिक्विड प्रिपरेशन या सेमी सॉलिड मेंट फॉर द यूज इन स्किन या एक्सटर्नल एंड अप्लाई टू स्किन विद द फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑफ द स्किन। बात करें लोशन, लोशन बता चुका हूं कि लोशन आर द प्रिपरेशन मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन, यानी बिना फ्रिक्शन के। दे आर अप्लाइड डायरेक्ट टू द स्किन विद द हेल्प ऑफ सम एब्जॉर्बेंट मटेरियल सच एज द कॉटन वूल गौज, यानी जो कॉटन वूल और गौज के साथ में आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट द गार्गल्स, गार्गल्स आर द एक्वस सॉल्यूशन यूज्ड टू प्रिवेंट द थ्रोट इन्फेक्शन या ट्रीट द थ्रोट इन्फेक्शन। दे आर यूजुअली अवेलेबल इन द कंसनट्रेट फॉर्म, किस फॉर्म में होता है कंसनट्रेट, विथ डायरेक्शन टू द डायल्यूशन विद द वार्म वाटर बिफोर यूज। नाम ये गार्गल्स, जैसे हम गरारे करते हैं बीटाडीन के, मीन्स आप सिंपल सा आगे गार्गल हमेशा जो कंसनट्रेट फॉर्म में आता है और इसमें डायरेक्शन लिखी होती है कि इसको डाइल्यूट बिफोर यूज, इन वार्म वाटर के साथ में डाइल्यूट करके आप काम में लेते हैं। तो गार्गल्स एक प्रकार की कंसनट्रेट फॉर्म है और यूज विथ डाइल्यूशन बाई वार्म वाटर, और जनरली ये आपके थ्रोट इन्फेक्शन को रोकने के काम आता है। माउथ वाश, अब नाम ही जैसे माउथ वाश है, यानी आप कह सकते हैं माउथ वाश सिंपली एक्वस सॉल्यूशन विद अ प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर यूज्ड टू मेक द क्लीन एंड डिओडोरेंट द बकल कैविटी, यानी बकल कैविटी को डिओडोरेंट या जो क्लीन करने का काम आते हैं, और ये सिंपल सी उसका प्लीजेंट टेस्ट एंड ऑडर होता है। और जनरली दे आप कंटेन द एंटी बैक्टीरियल एल्कोहल ग्लिसरीन एंड स्वीटनिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट, यानी एक प्रकार का ये बकल कैविटी को डिओडोरेंट एंड क्लीन करने के काम आता है, और इसको डाइल्यूट करने की आवश्यकता नहीं, इसको यूज जो प्योर फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट आगे थ्रोट पेंट, पेंट बोले तो विस्कस होगा और वो लंबे समय से वो जुड़ा रहेगा, यानी थ्रोट पेंट आर द विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन यूज फॉर द माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन। ग्लिसरीन इज कॉमनली यूज एज द बेस बिकॉज बींग विस्कस and it adhere to the mucous membrane for a long period possesses a sweet taste. तो ये भी एक throat pant यानी viscous है, इसके अंदर glycerin होता है और वो mucous membrane से लंबे समय तक जुड़ा रहेगा, adhere रहेगा, और generally used for the throat infection। ये भी यानी आप कह सकते हैं gargle, mouthwash and throat pant, यानी gargle तो वो था जो आपके concentrate form के अंदर था और उसको dilute करके काम लिया, और वो भी आपका एक जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए। माउथ वाश है जो आपके बक जो माउथ कैविटी के अंदर जो क्लीन करना ड्यूडरन करना काम आता है, लेकिन इसको डाइल्यूट नहीं करते हैं। और थ्रोट पेंट एक प्रकार की विस्कस स्प्रे। अब सिंपल स्प्रे आर द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग मीडिया मे बी एक्वस एल्कोहल एंड ग्लिसरीन होता है, एंड दे आर अप्लाइड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज थ्रोट एंड ऑटोमाइज, यानी स्प्रे करना सिंपल सा, यानी ये भी एक प्रेशराइज डोजेज फॉर्म होती है, यानी ये भी लिक्विड प्रिपरेशन है और ये जनरली आपके बॉडी कैविटी के अंदर काम आता है, ये नोज में या थ्रोट के अंदर। इनहेलेशन, दीज आर द लिक्विड प्रिपरेशन कंटेन वोलेटाइल सब्सटेंस एंड आर यूज टू रिड्यूस द कंजेशन एंड द इन्फ्लामेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे अस्थमा के केस में आप इनहेलेशन काम लेते हैं, यानी वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में कंजेशन जो है उसको रिमूव करने के काम आता है। नेजल ड्रॉप, जैसे नाम ही नेजल ड्रॉप है, मींस सिंपल सा लिक्विड प्रिपरेशन नाक में डालते हैं। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग दैट इंस्टिल्ड इनटू द नोज विद द ड्रॉपर, इन ड्रॉपर के साथ डालते हैं, और दे आर द यूजुअली एक्वस एंड नॉट ऑयली ड्रॉप सिंस द लेटर इनहिबिशन द मूवमेंट ऑफ द सलाइवा अब्सिलिया ऑफ द म्यूकस एंड इट्स यूज फॉर द लॉन्ग पीरियड में रीच द लंग्स एंड कॉज लिपिड निमोनिया।
यानी ये एक प्रकार के एक्वस ही यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म यूज करने से लिपिड निमोनिया भी हो सकता है, लंग्स तक पहुंच सकती है। इसलिए नजल ड्रॉप हमेशा ड्रॉपर के साथ में काम लेते हैं और ये एक्वस प्रिपरेशन। अब बात करें बाईफेजिक लिक्विड डाइजेस्ट, जैसे सिंपल सा नाम अलग से भी पढ़ा अपन ने, बाईफेजिक मीन्स जिसके अंदर दो फेज, लिक्विड इज कंसिस्ट ऑफ टू फेज, नोन इज अ बाईफेजिक लिक्विड, जैसे इमल्शन एंड सस्पेंशन। इन जनरल बोथ फेज आर लिक्विड, वाइल अब बात करें इमल्शन केस में, तो इमल्शन केस में दोनों फेज आपके जो होते हैं बोथ आर लिक्विड, बट इन केस ऑफ सस्पेंशन वन फेज इज सॉलिड, यानी पार्टिकल सस्पेंडेड रहेंगे लेकिन फेज दोनों होते हैं। और बात करें कि दो फेज जो है उसमें जो एक्सटर्नल फेज कौन सा, यानी जो ज्यादा मात्रा के अंदर है वो एक्सटर्नल फेज या कंटिन्यूस फेज कहते हैं, और जो आप कम मात्रा में है उसको इंटरनल फेज या डिस्पर्स फेज कहते हैं। अब बात करें इमल्शन की, कि इमल्शन इज ए बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड, वन ऑफ विच इज डिस्पर्स एज माइन्यूट ग्लोब्यूल इनटू द अदर, एंड द लिक्विड विच इज which convert into the minute globule are called dispersed phase, while the liquid which are the globule are dispersed is called the continuous phase. यानी जो ज्यादा मात्रा में उसको continuous phase कहते हैं या dispersion phase कहते हैं या external phase कहते हैं, और जी उस phase के अंदर जो internal यानी जो fine globule के रूप में जो present है उसको आप dispersed phase या internal phase कहते हैं। दो प्रकार का आप हो गया, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। तो बात करें ऑयल इन वाटर, इसमें जो वाटर जो है वो डिस्पर्जन फेज है, जो ज्यादा मात्रा में कंटिन्यूस फेज, और ऑयल है जो डिस्पर्ज या इंटरनल फेज। और सस्पेंशन बात करें तो सेम वही बात होगी, यानी इसके अंदर सोल्यूट जो है एक्सटर्नल या डिस्पर्जन फेज के अंदर सस्पेंडेड है। और कह सकते सिंपल सा, दी सस्पेंशन आर द बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म of medicament in which finely divided solid particle are dispersed in liquid or semi-solid vehicle, or these solid particle act as a dispersed phase or vehicle act as a continuous phase. यानी आप simple रख सकते हैं कि ये आपकी doses के अंदर liquid doses form अपन पढ़ा, और it is important from point of view the deformacy first year exam. So keep watching the Pharmacon channel and subscribe and share it.